मिस्टर बीस्ट अपनी सिर्फ एक YouTube वीडियो के थंबनेल के लिए 827,000 रुपए लगा देते हैं। What you invest per thumbnail? Yeah, well, we probably spend around $5,000 to $10,000 a thumbnail, just making sure we get the right image. अब 10,000 US डॉलर को अगर हम कन्वर्ट करें तो करीब 827,000 के आसपास बनते हैं। और ये जो पैसा है किसी एक बंदे को मिलता है जो सिर्फ थंबनेल बनाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी बड़े क्रिएटर के लिए, जो इंडिया के टॉप क्रिएटर्स है किसी भी फील्ड के, उनके लिए कैसे थंबनेल्स बना सकते हैं और साथ ही साथ में कितना पैसा आपको मिल सकता है। सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट है वो है फोटोशॉप। अब ये कहने की बात नहीं है, ये खुद आपको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़े क्रिएटर के लिए काम करने वाले हैं तो मोबाइल से आप जितना मर्जी अच्छा थंबनेल बना लो वो कामयाब नहीं होगा। आपके पास एटलीस्ट एक छोटा सा लैपटॉप होना चाहिए जिसके अंदर फोटोशॉप चल जाए, क्योंकि मोबाइल के अंदर जितने मर्जी ऑप्शंस आपको दिख जाए लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो फोटोशॉप के अंदर है और मोबाइल के अंदर वो अभी दूर दूर तक नहीं है। तो एटलीस्ट आपको फोटोशॉप बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप एटलीस्ट दूसरों को दिखा पाओगे कि हाँ आपको काम आता है। और जितना एडवांस आप फोटोशॉप को सीख लोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके ज्यादा पेमेंट मिलने के। स्टेप टू है आपका पोर्टफोलियो। अब आपको 5 कैटेगरी इंडियन यूट्यूबर्स की सिलेक्ट करनी है, चाहे टैग, कॉमेडी, व्लॉग, गेमिंग और जो भी आप करना चाहे, और हर कैटेगरी के एटलीस्ट 10 थंबनेल्स आपको बनाने हैं। इसमें जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है गूगल पे रिसर्च करना आपको आना चाहिए। कौन सा आइकन हमें कहां मिलेगा, किस तरीके से हमें मिलेगा, कौन सा बैकग्राउंड लगना चाहिए, ये सारी चीजें, कलर पैलेट्स वगैरह किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनती है, ये सब आपको गूगल पे रिसर्च करना आना चाहिए कि किस चीज के साथ क्या चीज अच्छी लगेगी। 10 थंबनेल आपको 5 कैटेगरी के बना के रखने हैं, यानी कि टोटल 50 थंबनेल्स आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे होते हैं कि मुझे जितने भी पोर्टफोलियो सब में ये है कि जो थंबनेल्स आपने बनाए हैं वही घिसे पिटे थंबनेल सभी के एक तरीके के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉमन मिस्टेक होती है कि मान लो जो ट्रेंडिंग थंबनेल चल रहे हैं, जो सबसे टॉप क्रिएटर के वायरल चल रहे हैं, वैसे ही थंबनेल लोग बनाने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब हर्ष पैनीवाल के लिए थंबनेल आप बनाना चाह रहे हो तो वहां पे मिस्टर बीस्ट वाला थंबनेल नहीं चलेगा। और तीसरा स्टेप है कि भेजना कैसे है। अब सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि भैया इंस्टा पे अपनी गूगल ड्राइव का लिंक भेजते रहते हैं, उसमें देखो जितने बड़े क्रिएटर्स है ना वो कभी भी मैसेज नहीं देखने वाले चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, दो तरीके हैं। पहला कि अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ एक, और उस पे उन थंबनेल्स को पोस्ट जब आप करोगे तो वहां पे उनकी पूरी टीम को टैग करना है। और वो टैग करने के बाद ये तो हो गया आपका एक ऑप्शन। दूसरा जो दी बेस्ट ऑप्शन है वो है जब आप थंबनेल बना रहे हो किसी भी क्रिएटर के लिए, उस थंबनेल बनाते हुए की स्क्रीन को रिकॉर्ड करो और उसमें अपने वॉइस ओवर के साथ उसकी यूट्यूब वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करो और वहां पे टाइटल लिखो आप मेकिंग थंबनेल फॉर हर्ष बेनीवाल, मेकिंग थंबनेल फॉर राउंड टू हेल, आशीष चंचलानी, या जो भी क्रिएटर के लिए आप वीडियो थंबनेल बना रहे हो। वहां पे आपके दो चीजें होंगी, एक तो ये कि उस पर्सन को, उस क्रिएटर को जब आप टैग करोगे तो वहां पे उन तक वीडियो वो पहुंच जाएगी और वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यकीन मानो बहुत से क्रिएटर्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया हुआ है सिर्फ इसी मेथड की वजह से। और दूसरा फायदा आपका ये है कि आपकी खुद की एक सब्सक्राइबर्स ऑडियंस बिल्डअप होती जाएगी जो इसी तरीके की चीजें देखने में इंटरेस्टेड होगी और वो आपके चैनल पे जब आएगी तो आपकी भी वहां से कमाई शुरू हो सकती है। अब लास्ट एक नोट जो बचा है वो ये ध्यान आपको रखना है कि आपको शुरू करने थंबनेल आपको बनाने 10,000 से 20,000 वाले सब्सक्राइबर जितने हैं चैनल, उनको आप मैसेज कर सकते हो, उनके लिए आप थंबनेल बना सकते हो। 200 रुपए का भी अगर आप एक थंबनेल बनाते हो, जो बहुत ही कम चार्जेस है, अगर रोज का सिर्फ एक थंबनेल भी आप बना रहे हो तो महीने के आपके 6,000 रुपए बड़े प्यार से आपकी जेब में आ जाते हैं। ये तो वो चार्जेस हैं जो बिल्कुल कम से कम है और इससे बहुत ज्यादा आप कमा सकते हो। गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। इसके साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।